बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तन्नीस किचन। तो आज आप डेफिनेटली स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ बेकिंग चलने लगी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बेकिंग का कुछ ऐसा चीज़ सामने नहीं आई थी, स्पेशली चॉकलेट की। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी शेयर करती हूँ। है तो बहुत सिंपल चॉकलेट स्पॉन्ज केक, लेकिन इसकी कुछ तरतीब इस तरह से है कि आपको इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगेगा और ये बनने में भी बहुत मज़े का बनेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमने 4 अंडे ले लिए हैं, उसके बाद हमने 100 ग्राम शुगर ले ली है। इसको मैंने, अगर बारीक चीनी है तो फिर आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी मोटी है तो इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने 50 ग्राम हमने हनी ले लिया है। उसके बाद हमें इसमें सॉल्ट भी चाहिए होगा, पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए होगा, वनीला चाहिए होगी, 1 टीस्पून वनीला एक्स्ट्रैक्ट चाहिए होगा, और 100 ग्राम केक फ्लावर चाहिए। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है। और केक फ्लावर जो है उसका बनाने का वो वही आप देखेंगे, इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसकी रेशियो आपने ये रखनी है कि 1 कप मैदा लेंगे आप, और उसमें से 2 टेबलस्पून आप मैदा निकाल देंगे और उसकी जगह आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे, तो आपका केक फ्लावर जो है वो बन जाएगा। तो ये हमने केक फ्लावर जो है ये हमने 100 ग्राम्स लिया है, ये तकरीबन 3/4 कप बनता है, फुल कप नहीं है ये। उसके बाद फिर, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है। उसके बाद 45 ग्राम्स हमें मिल्क चाहिए होगा, 110 ग्राम हमें कोको पाउडर चाहिए होगा, और 40 ग्राम हमें अनसॉल्टेड बटर चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना मॉइस्ट सा चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करने वाले हैं वो है, कोको पाउडर में हमने जो दूध लिया था उसको हमने ल्यूक वॉर्म, यानी एक जिसको कहते हैं ना नीम गर्म, वो कर लिया है, और हमने उसमें इसको मिक्स कर लेना है कोको पाउडर का। ये सबसे पहली टिप है आपका जो स्पॉन्ज केक है उसके मॉइस्ट और स्पॉन्जी होने की, कि आपने कोको पाउडर को नीम गर्म दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्स जो हैं वो इसमें बाकी ना रह जाएं। ये लीजिए जी, ये देखिए, ये बिल्कुल कोको पाउडर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है दूध में। ये अब हम इसको साइड पे रख देंगे और अपना जो मेन प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले अंडे जो हैं उनको हम तोड़ के बोर्ड में निकाल लेंगे, और एग्स लेने हैं। इसके बाद हमने इसके साथ ही शुगर डाल देनी है, हमने 80 ग्राम हमने शुगर ली थी, और इसके साथ ही हम इसमें हनी भी ऐड कर देंगे। 20 ग्राम हमने हनी लिया था। अब हमने इस पे बीटर नहीं चलाना है अभी, अभी हमने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जी। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये शुगर है, एग्स हैं और हनी है, इनको हमने हल्का हल्का सा मिक्स करना है, बहुत एकदम से बीट नहीं करना अभी, क्योंकि हमने इनके साथ अभी एक और भी जो है ना वो ट्रीटमेंट करना है। कि इस टाइम पे हम एक पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने एक ट्रीटमेंट करना है, कि पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, अब हमने इसको बॉइलिंग हॉट वाटर के ऊपर थोड़ा सा मिक्स करना है। ये देखिए जी, इससे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इस टाइम पे हमने टेम्परेचर भी देख लेना है इसका, कि हमें जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए। 44 जो है वो इसका इस वक्त जो है ना टेम्परेचर है, ये तकरीबन होना चाहिए 38 to 42 तक जी। तो अब हम इसको बीट कर लेते हैं। तो बीटिंग के दौरान हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस भी डाल देंगे, और उसके बाद इसको दोबारा हमने बीट करना है। और ये देखिए, ये कितनी ही, आप देखिए डबल क्या ट्रिपल हो गया, और ये देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इधर भी आप इसका टेम्परेचर जो है वो चेक कर सकते हैं, इधर इसका टेम्परेचर जो है वो 25 तक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, ये देखिए
23, 24, 25 इतना ही हमें टेम्परेचर जो है वो चाहिए। ये देख सकते हैं आप 25 हो गया। अब हमने अपना अगला स्टेप करना है, अब हमने बीटर जो है उसको बंद कर देना है। इसमें अपना केक फ्लावर और जो हमने उसमें ऐड किया था बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, वो हमने इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है, दो पोर्शंस में डिवाइड करके इजीली हो जाएगा। ये देखिए, ये लीजिए जी, ये एक दफ़ा में हो भी गया। अब बाकी का भी डाल देते हैं। और ये मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको छान लिया था। मैं आपको यही कहती हूँ कि मैदा जो है वो आप इसको 3 से 4 दफ़ा छानें ताकि आपका केक जो है वो लाइट बने। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्स नहीं करना, लेकिन ये कि सारा हमारा जो ये पाउडर इंग्रेडिएंट है ये सारा इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा जी, जब मिक्स हो जाए तो यहाँ पे हमारी विस्क का भी काम ख़त्म हो गया। अब हमने स्पैचुला से इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। जी जी, स्पैचुला से भी हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, लेकिन बस हमने इतना इसको कर देना है। ये देखिए, इसमें शाइन भी आना शुरू हो गई है। और यही जो है, ये टिप्स जो मैंने आपको शुरू में एक दो दी थी, ये जो हमने इसको हॉट वाटर के ऊपर हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया था एग्स को, उसकी वजह से एग्स में भी शाइन आ गई थी। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारा कोको पाउडर वाला मिक्सचर था उसको हमने ऐड करना है इसमें। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ जी। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हमने बैटर अपना एक छोटे बाउल में निकाल लेना है, और उसके बाद हमने अपनी जो कोको पाउडर वाला बैटर है उसको इसमें ऐड कर देना है। और कोशिश करें कि आप इसको छान लें, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा ये ऐसे मिक्स किया और इसको इस तरह से सारा डाल दिया, और उसके बाद फिर हम इसको छान कर, ताकि कोई भी अगर लम्स वगैरह हैं तो वो फिर इधर हम जो स्टेनर जो हमने रखा हुआ है उसमें सारे लम्स जो हैं वो निकल जाए। लीजिए जी, इसको पहले हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने सारे बैटर में इसको ऐड कर लेंगे। लीजिए, अब इसको हम इसमें ऐड करते हैं। बटर हमने अभी नहीं डाला, बटर को हमने उसी तरह वार्म वाटर में रखा हुआ है ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। लीजिए व्यूअर्स, बटर भी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि अब हमने बटर में भी थोड़ा सा हमने ये अपना बैटर जो है ये ले लेना है और इसमें मिक्स कर लेना है, ताकि बटर भी हमारा जो है वो ईजीली मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। लीजिए जी, बटर भी अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से, और इसको अब हमने पैन में रख देना है। ओवन मैंने प्री हीट कर दिया था जब मैंने काम स्टार्ट किया था 180 पे, और अब मैं कर दूंगी 170 पे, और इसको 30-35 मिनट्स तक हम इस बेक होने देंगे। और दरमियान में 25 मिनट्स के बाद आई एम गोइंग टू चेक इट के अगर हो गया है तो मैं फिर निकाल लूँगी, अदरवाइज़ फिर इसको हम पूरा 30-35 मिनट्स जो हैं वो बेक कर लेंगे। तो इसको अब हम पैन में डालते हैं। लीजिए जी, इसको इस पैन में डाल लिया हमने। और आप ये देखें कितना मज़े का कलर भी है, और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना इसका टेक्सचर जो है वो रखना है। तो ये हो गया ये। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एयर बबल्स ना बने, और टैप करते हैं। देखिए, बबल्स निकल रहे हैं। 2-3 दफ़ा टैप किया, और अब हम इसको ओवन में रख देंगे 30-35 मिनट्स के लिए। जी व्यूअर्स, तो ये 30 मिनट्स के बाद केक हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी शक्ल भी है, और यकीनन टेस्ट भी अच्छा होगा। इसको भी हम 5 से 10 मिनट पैन में ही रहने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो, उसके बाद फिर हम इसको इसमें कूलिंग रैक के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। व्यूअर्स, तो अब हम इसको वायर रैक पर शिफ्ट करते हैं। वायर रैक के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है,
ताकि वायर की जो है वो उसके साथ स्टिक ना हो जाए। अब हम इसको उतार लेते हैं और इसको हम सीधा करके इसको अब ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, उसके बाद इसमें आइसिंग करते हैं। जी व्यूअर्स, तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखिए, ये इसकी आप फ्रंट, इसकी ऊपर की आप लुक भी देख सकते हैं कितनी मज़े की आई हुई है, और ये कितना स्पॉन्जी सा केक बना हुआ है ये देखिए जी। तो ये बहुत मज़ेदार, और ये टेस्ट में भी आपको देखिएगा कि हमने जो स्टेप्स में एक दो चेंजेस की हैं और एक दो स्टेप हमने डिफरेंट किए हैं, उसकी वजह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी आइसिंग भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल भी हो जाए। तो अब इसको इसकी आइसिंग तैयार करते हैं। यस, तो आइसिंग करने से पहले हम इसके ऊपर शुगर सिरप डाल लेंगे। शुगर सिरप में मैंने पानी में शुगर मेल्ट करके उसमें थोड़ी सी हल्की सी कॉफ़ी भी डाली है ताकि उसका टेस्ट इन्हेंस हो। तो अब हम इसकी केक की दोनों जो हमारे पास स्लाइसेस हुए हुए हैं, हम इसमें ये सिरप जो है ये अच्छे तरीके से लगा लेंगे ताकि ये मॉइस्ट, इसके अंदर और ज़्यादा जो है ना मॉइस्चर ये केक हो जाए। तो इसको मैं लगा के फिर आपको आइसिंग करके बताती हूँ। सिरप सारा मैंने डाल लिया है, आइसिंग जो है वो मैंने आइसिंग बैग में डाल ली है, और आइसिंग वही हम जो बनाते हैं अपने डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके और व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से बीट करके उसमें मैंने मिक्स कर दिया। तो अब हम आइसिंग जो है उसको इसके ऊपर लगा देते हैं अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर ऊपर आप बहुत ज़्यादा आइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक मैंने आपको चॉकलेट स्पॉन्ज केक बताया है। तो ऊपर हम इसके आइसिंग शुगर जो है वही स्प्रिंकल कर लेंगे एंड दैट्स इट। तो ये मैं आपको फिर करके आइसिंग दिखाती हूँ। यूर से हमारा मज़ेदार सा मॉइस्ट सा चॉकलेट स्पॉन्ज केक तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं आपको वाकई डिफरेंट लगे होंगे और उससे इसके टेस्ट पे भी बहुत असर पड़ता है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।